कश्मीर के शोपियां में आतंकी वारदातों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा मामला शोपियां जिला का है, जहां आतंकियों ने एक बार फिर बीजेपी नेता की हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में आतंकियों ने पहले बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष गौहर अहमद को अगवा किया और इसके बाद उसकी धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी। हमलावर आतंकियों के बारे में अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है और ना ही किसी आतंकी संगठन ने अब तक इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के पामपुर में गुरुवार को आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में सेना के दो जवान शहीद हुए हैं। कई घंटों तक चले इस एनकाउंटर में एक आतंकी को भी मार गिराया गया। हमारी पूरी पार्टी इसके साथ है, इसके घर के साथ है, बाकी इसका कोई कसूर नहीं था। इतना ही कसूर इसका था, ये लोगों के लिए काम कर रहा था। आपने खुद भी देखा होगा इसके जनाजे में कितने लोग थे। अगर ये और कुछ होता तो इसके लोग जनाजे में इतने लोग नहीं होते। मैं बस गवर्नमेंट से इतना अपील करना चाहता हूँ कि हमें इंसाफ चाहिए।